ये देख सकते हो मैंने एक आर्टिकल्स बनाया है जिसमें आप मैंने बताया कि कैसे मैंने वीपीएन यूजर कनेक्ट होता है। तो पहले मैं नीचे शुरू करता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चार सर्वर हैं, ये सर्वर्स इस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और ये फायरवॉल से कनेक्टेड है फ्रेंड्स। अब फायरवॉल से एक राउटर कनेक्टेड जो इंटरनेट हमने लिया हुआ है, यहाँ से इंटरनेट कनेक्टेड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस फायरवॉल से हम जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और एक वीपीएन यूजर बनाते हैं तो ये वीपीएन यूजर यहाँ पे रहा। जब ये वीपीएन यूजर कनेक्टेड होता तो इन सबको बाईपास होके फ्रेंड्स डायरेक्ट ये सर्वर तक रीच होता फायरवॉल के थ्रू, जिसमें से ये वीपीएन यूजर को भी एक इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। बिना इंटरनेट के वीपीएन यूजर कनेक्ट नहीं होता है। जब वीपीएन को इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है फिर उसके बाद वो वीपीएन को कनेक्ट करता है वीपीएन यूजर। जैसे वीपीएन यूजर कनेक्ट, तो आप लाल वाली लाइन देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ सर्वर पे आके कनेक्ट हो जाता है। आईपीसेक वीपीएन या वीपीएन जो भी यूज कर सकते हैं हम, अभी मैं ये बता रहा हूँ SSL VPN का बता रहा हूँ फ्रेंड। तो इसी प्रकार से यही सिनेरियो जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, यही सिनेरियो मैं अपने इस वीडियो में करके दिखाया हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस यूट्यूब चैनल वीडियो को फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको अपने फायरवॉल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसके आगे के मैं जो स्टेप्स हैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो अभी मैं अपने फायरवॉल में लॉगिन कर रहा हूं, सेम इसी प्रकार से आपको भी अपने फायरवॉल में लॉगिन करना है। तो ये मेरे अभी देखो फायरवॉल में लॉगिन हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट प्रॉपर तरीके से लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे कनेक्टेड रिमोट यूजर 0 दिखा रहा है और लाइव यूजर भी 0 है। तो यहाँ पे जब मैं फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर दूंगा पूरा SSL VPN तो यहाँ पे यूजर्स भी दिखने लगेंगे फ्रेंड्स। तो मैं एक एक स्टेप से बताऊंगा कि कैसे हम SSL VPN कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल से रूल से लेकर सब कुछ करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक यूजर क्रिएट करना पड़ता है, तो हमको सबसे पहले ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से हम एक यूजर क्रिएट करेंगे जिसको हम SSL VPN की परमिशन देंगे और एक सर्टिफिकेट। तो IT यूजर पे क्लिक कर यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे IT यूजर पे फ्रेंड्स क्लिक करेंगे। अब IT यूजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको एक यूजर क्रिएट करने के लिए नेम, यूजर नेम हमको देना इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद हम यहाँ पे नेम में फ्रेंड्स हम नेम में हम कुछ अलग टाइप करते ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो और प्रॉपर, या मैं एक नोटपैड में यूजर नेम क्रिएट करता हूँ फ्रेंड्स। यही यूजर नेम मैं वहाँ पे डालूंगा। अभी मैं यूजर नेम रखा सोफोस FW और पासवर्ड में रख देता हूँ सोफोस। ये नहीं रहेगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा नॉर्मल रहे ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। यस @123। तो ये है मेरा यूजर नेम है और ये पासवर्ड है। आपको मैं यही यूजर नेम से लॉगिन करूंगा, यही पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे यूजर नेम वापस पेस्ट कर दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देते हैं फॉर टेस्टिंग ताकि कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी ना हो। ये सारा चीज़ जो मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स ये वर्चुअल फायरवॉल के ऊपर कर रहा हूँ। आप भी अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करके रजिस्टर करके आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमको यूजर बना रहे थे, यूजर मोड ही हमको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे ईमेल आईडी मैंडेटरी है, तो यहाँ पे कुछ भी ईमेल आईडी, जैसे मैंने यूजर नेम कॉपी किया @gmail.com, इस तरह से कुछ भी ऐसे बना सकते हैं। जस्ट ये क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स होता है। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस हमने डाल दिया। अब यहाँ पे ग्रुप में हम यहाँ पे ओपन ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं और बाकी यहाँ पे कहीं कुछ निकला मैं स्क्रॉल करके डाउन में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे और भी कुछ कहीं चेंजेस नहीं करना और सीधा हमको सेव कर देना है। और सेव पे जैसे क्लिक करेंगे यूजर देखिए फ्रेंड्स सेव हो रहा है। तो यूजर सेव हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर जो हमने क्रिएट किया था ये यूजर क्रिएट हो गया और सेव भी हो गया। इतना ही करना, अब हमने एक प्रॉपर तरीके कंप्लीट यूजर क्रिएट कर लिया है। आप यहां पे देख सकते हो ओपन ग्रुप इनेबल। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक वीपीएन क्रिएट करेंगे। वीपीएन में जाएंगे, यहां पे वीपीएन में बहुत सारे आईपी सेक हो गए, SSL VPN, SSL VPN साइट टू साइट। तो हमको करना क्या, SSL VPN पे क्लिक कर देना है। SSL VPN पे रिमोट एक्सेस पे क्लिक करेंगे, वहां पे ऐड पे हमको क्लिक करना फ्रेंड्स। जब जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहां पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन का पेज ओपन हो जाएगा हमारे सामने। तो यहाँ पे अभी आ गया है, तो हम यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन नेम मैंडेटरी है। तो आप यहाँ पे हम देते हैं सोफोस SSL VPN पॉलिसी, ये हमने एक नेम क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आप हम टेस्ट पॉलिसी रख रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी पॉलिसी मेंबर, अब हमने जो यूजर्स क्रिएट किया था यहाँ ऑथेंटिकेशन में, ये यहाँ पे अब यूजर आ जाएगा। हम ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोफोस FW यूजर्स आ गया जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। तो इसको हमको सिलेक्ट कर लेना, अप्लाई कर देना है।
अब अप्लाई करने के बाद ये यूजर्स यहाँ आ गए, इस यूजर को हम परमिशन दे रहे हैं, आपके अभी डिफॉल्ट यूज डिफॉल्ट गेटवे, ये इंटरनेट के लिए अगर वो SSL VPN वहाँ से हमारा गेटवे यूज करना चाहेगा तो, लेकिन हम इसको नहीं दे रहे अभी। तो यहाँ पे बता रहे परमिटेड नेटवर्क रिसोर्सेज IP4। अब इसको हमको क्या क्या एक्सेस देना है, आपको कोई सिंगल मशीन एक्सेस देना है, कोई सर्वर एक्सेस देना है, या पूरा नेटवर्क एक्सेस देना है आपके। अभी मैं एक पोर्ट सिलेक्ट कर लिया, पोर्ट 1 को हमने एक्सेस ऐड कर दिया, और हम एक फायरवॉल को भी IP ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स मैं एक ऐड सो में क्रिएट करता हूँ, क्रिएट IP। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कि इस यूजर्स को हमको, जो हमने यूजर क्रिएट, इस यूजर को हमको क्या क्या मशीन एक्सेस देना है। आपको चाहिए तो आप एडमिन है तो आपको फायरवॉल के चाहिए तो आप यहाँ पे फायरवॉल का IP डाल दीजिए, और उस चीज़ से मेरे अभी ये फायरवॉल का IP मैंने डाल दिया, डेमो फायरवॉल मेरा है, तो यहाँ पे जो IP दिया हुआ है सेम यही IP मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं फायरवॉल का IP है, तो इसको कुछ नहीं करना है, बस ये यहाँ पे सेव कर देना है। तो यहाँ पे इस यूजर को हमने पोर्ट A दिया है और फायरवॉल का IP दिया है। एक और IP मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्या क्रिएट करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं न्यू सर्वर क्रिएट किया, और इसको कोई रेंडम कोई IP देते हैं, आपके मशीन में जो नेटवर्क में IP होगा वो IP आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कि ये 250 IP दे दिया और इसको सेव कर दिया फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं हमने इस एक यूजर्स को हमने मैं वापस दिखाता हूँ पॉलिसी, इस यूजर्स को हमने इतनी एक्सेस दिया है। तो आप चाहिए तो सिंगल एक्सेस देते, जो भी एक्सेस आपको देना है उसका IP, इस मशीन का IP यहाँ पे या सर्वर का IP यहाँ पे रखना पड़ेगा हमको। नेम हमने दे दिया, पॉलिसी मेंबर ऐड कर दिया, टनल में हमने रिसोर्सेज दे दिया कि उसको क्या क्या एक्सेस करना है, और यहाँ पे IP वर्जन 6 हम यूज नहीं कर रहे थे, ये ब्लैंक रहेगा फ्रेंड। अब यहाँ पे आइडियल टाइम आउट है, आप यहाँ पे टाइम भी रख सकते हैं, या अगर हम कुछ नहीं करता तो ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जाएगा, या नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। अब इसको हमको कर देना सेव, जैसे सेव के कॉन्फ़िगरेशन द पॉलिसी विल ओवरराइट प्रीवियस पॉलिसी, मतलब ये बता रहे कि कॉन्फ़िगरेशन प्रीवियस पॉलिसी पे अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी पॉलिसी हमने जो क्रिएट किया था ये सेव हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। अब हम आपको आप वापस में एडिट करके दिखाना चाहूँगा कि ये पॉलिसी देखिए प्रॉपर सेव हुई है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूरे एक एक स्टेप वीडियो में तो मैं बाकी लोगों को जैसे नहीं कि वीडियो कट पिट करूँगा। अब हमने क्या किया फ्रेंड, ऑथेंटिकेशन यूजर क्रिएट किया, पॉलिसी क्रिएट किया, अब हम क्रिएट कर बनाएंगे फायरवॉल रूल। तो फायरवॉल में जाना है, ऐड फायरवॉल रूल पे क्लिक करना हमको, यूजर फायरवॉल नेटवर्क रूल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमको एक रूल ऐड करना है, यहाँ पे हम पहले बनाएंगे लाइन टू VPN, मतलब ये क्यों रूल बनाते हैं कि लाइन से हमारा VPN को ट्रैफिक आएगा, और यहाँ पे हम एक्शन एक्सेप्ट रखेंगे, और यहाँ पे डिफॉल्ट टॉप रहेगा हमारा, यहाँ पे नन हो जाएगा। अब लाइन टू VPN हम बना रहे हैं तो पहले हमारा लाइन रहेगा, लाइन से ट्रैफिक VPN को जाएगी, नेट रिसोर्सेस में ए नहीं रख सकते हैं, और यहाँ पे डेस्टिनेशन में हमको क्रिएट करना है, कनेक्ट सेलेक्ट करना है VPN। तो हमारी अब क्या पॉलिसी बनी, लाइन से VPN के लिए हमने पॉलिसी बनाई, तो लाइन का यूजर VPN तक जा सकता है, और यहाँ पे आप चाहेंगे तो ये सब वेब कंटेंट चेकबॉक्स कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नहीं कर सकते हैं। और आपको नेटिंग करना तो आप यहाँ पे नेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं फ्रेंड, अगर नेटिंग नहीं करना तो आप नेटिंग पे क्लिक भी नहीं कर सकते, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। तो हमने यहाँ पे लॉग फायरवॉल ट्रैफिक पे क्लिक कर दिया, अब इसको सेव करेंगे हम, और इसमें कहीं कुछ भी इशू नहीं फ्रेंड्स, इतना ही है, सिंपल है। जैसे लाइन से VPN के लिए ट्रैफिक बनाते हैं, फिर VPN से लाइन के लिए, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए रूल के थ्रू। तो अब हम बनाएंगे VPN से लाइन का कम्युनिकेशन, तो VPN टू लाइन, अब VPN टू लाइन का रूल हम बना रहेंगे। एक्शन में हमें एक्सेप्ट रखना है फ्रेंड्स, और यहाँ पे पॉलिसी में टॉप रखना, नेम में कुछ नहीं रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे VPN, अब VPN से हमारा VPN से रिसोर्सेस एनी लाइन, अब क्या होगा VPN से ट्रैफिक हमारी लाइन तक आएगी, लाइन से VPN तक जाएगी, तो इस तरह से कम्युनिकेशन होता है रूल का। तो यहाँ पे हमको जनरल पॉलिसी सेलेक्ट करना, सेम जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ सेम इसी प्रकार से आपको कहीं कुछ भी चेंजेस नहीं करना है फ्रेंड। लॉग फायरवॉल पे चेकबॉक्स करना है एंड सेव पे क्लिक कर देना है। ये अब हमने क्या किया, दो हमने पॉलिसी बनाई, VPN टू लाइन एनी और लाइन टू VPN एनी, तो हमने दो इन और आउट के लिए रूल बना दिया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब VPN क्लाइंट हम एक डाउनलोड, अब VPN क्लाइंट कैसे डाउनलोड करेंगे अब मैं वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, डिवाइस एक्सेस में जाते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स डिवाइस एक्सेस में जाने के बाद ना VPN के ऊपर हम पिंग कर देते हैं, क्योंकि मैंने फायरवॉल का IP भी दिया है, तो फायरवॉल पिंग होगा या नहीं होगा तो फिर हम प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम VPN के ऊपर हमने HTTPS एक्सेस दे दिया है और पिंग दे दिया है, तो हम जैसे VPN कनेक्ट होंगे तो हमको पिंग भी आएगा और फायरवॉल को हम डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं, इसलिए देते थे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ये कर सकते नहीं, अगर वहाँ पर एडमिन यूजर हैं तो आप कर सकते हैं, आपको फायरवॉल VPN के थ्रू एक्सेस हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं सेव, तो अभी सेव भी हो चुका है। अब हम चले जाते हैं फायरवॉल में,
अब यहाँ पे हमने रूल तो क्रिएट कर लिया है, हमने VPN भी बना लिया है, हमने ऑथेंटिकेशन भी बना लिया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, हम अब कैसे करते क्लाइंट SSL सर्टिफिकेट डाउनलोड। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फायरवॉल का IP सिर्फ सर्च करना पड़ेगा और HTTPS यहाँ पे देख सकते हैं यूजर पोर्टल मोड आ जाता है और फायरवॉल का IP यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं देना पड़ता हमको। अब यहाँ पे हमको उस यूजर से ओपन करना पड़ेगा जो यूजर्स हमने वहाँ पे क्रिएट किया था। तो मैंने Sophos FW क्रिएट किया था और उसका पासवर्ड भी रखा था Sophos FW @123। तो उस यूजर से हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जो मैंने देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो आपको दिखा रहा हूँ ये पासवर्ड मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको हटाया, यहाँ पे Ctrl V किया और लॉगिन पे क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं अब ये लॉगिन हो रहा है फ्रेंड्स। तो जो हमने यूजर्स बनाए थे सक्सेसफुली हमारा प्रॉपर तरीके से यूजर बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे होम, पर्सनल और डाउनलोड क्लाइंट, SSL VPN, इंटरनेट, ईमेल, लॉग आउट। तो यहाँ पे हमको SSL VPN ही सिलेक्ट करना है। डाउनलोड फॉर क्लाइंट फॉर कॉन्फ़िगरेशन विंडोज का कॉन्फ़िगरेशन OS है और चौथा ऑप्शन एंड्रॉयड का है। तो हमको क्या करना है, डाउनलोड क्लाइंट फॉर कॉन्फ़िगरेशन फॉर विंडोज, इसमें क्लाइंट और कॉन्फ़िगरेशन दोनों फाइल डाउनलोड होगी। तो इस पर हमको जस्ट कर देना है क्लिक। तो देख सकते हैं कि नीचे हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। आप नीचे देख सकते हैं कि ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको हमको कर देना है डबल क्लिक। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी गाइज। तो अब यहाँ पे हमें ये विजार्ड आ गया है इंस्टॉलेशन का। अब यहाँ पे हमको कर देना नेक्स्ट। वापस इंस्टॉलेशन के लिए पाथ पूछ रहा है, हमने नेक्स्ट कर देते हैं, सी ड्राइव में ही पाथ रखते हैं। तो ये अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है फ्रेंड्स। तो अभी थोड़ी देर में इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं कहीं भी वीडियो पॉज नहीं करूँ, डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ। अब हमको कर देना है फिनिश पे क्लिक। जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक VPN का आइकॉन आ चुका है फ्रेंड्स। अब इसको ऊपर हमको कर देना है राइट क्लिक करके कनेक्ट। अब कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको इसका यूजर नेम देना पड़ेगा और पासवर्ड। तो जो हमने यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया था वही यूजर नेम पासवर्ड हमको यहाँ पे रखना है। तो अब यहाँ पे हमको Ctrl V कर देना है यूजर का और पासवर्ड को कॉपी करते हैं हम और इसको कर देते हैं कनेक्ट। तो अभी देख सकते हैं कि ये कनेक्टिंग दिखा रहा है, कनेक्टिंग Sophos यूजर्स का दिखा रहा है आपको। देखिए अभी भी दिखा रहा है कनेक्टिंग। तो अभी थोड़ी देर में फ्रेंड्स ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी भी देखिए फ्रेंड्स ये कनेक्टेड हो, Sophos VPN कन्फिग इज नाउ कनेक्टेड। ये मुझे IP भी आ गई है। अब मैं ये IP आपको यहाँ पे चेक करके भी दिखा देता हूँ कि जो मुझे IP असाइन हुई है कहाँ पे IP एड्रेस है और कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कितनी VPN यूजर आपके डिवाइस में कनेक्टेड है। तो जो मैंने पॉलिसी बनाई देख सकते हैं गाइज, आप प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो चुकी है और इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चले जाते हैं फायरवॉल में, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं गाइज। डैशबोर्ड से आके मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से फायरवॉल कन्फिगर हुआ और हमने SSL VPN को क्रिएट किया, कनेक्ट भी हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमोट कनेक्टेड में भी आ गया फायरवॉल। अब मैं यहाँ से आपको पिंग करके दिखा देता हूँ गाइज। अब देखिए मैं यहाँ पे फायरवॉल की IP को पिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पिंग होनी चाहिए IP क्योंकि मैंने वहाँ पे VPN में IP को अलाउ कर दिया है। तो ये पिंग आ रहा है, मैं वहाँ पे फायरवॉल में अलाउ नहीं करता था एडमिन में तो मुझे पिंग नहीं आता था गाइज, इसीलिए मैंने पिंग की इनेबल किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइव यूजर दो कनेक्टेड दिख रहे हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बाकी का डिटेल्स हो जाएगा। एक तो पोर्टल यूजर दिख रहा है, दूसरा गाइस दिख रहा है जो VPN। तो यहाँ पे जो मुझे IP असाइन हुई है यहाँ पे देख सकते हैं लीज IP, ये IP और जो मेरे लैपटॉप में VPN में असाइन हुई ये IP, दोनों IP सेम है। आप यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो IP शो हो रहा है और यहाँ पे जो लीज IP शो हो रही है दोनों सेम है। और टाइमिंग भी देख सकते हैं किस टाइम पे कनेक्ट हुआ है और मेरे लैपटॉप का भी टाइमिंग देख सकते हैं, सब कुछ सेम है गाइस। आप प्रॉपर देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि लाइव यूजर में ये यूजर नेम दिखा रहा है, IP और डेट एंड टाइम शो हो रहा है। और मैंने फायरवॉल को पिंग भी किया है, आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि फायरवॉल पिंग भी हो रहा है गाइज। तो आप ये देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से मेरा कनेक्ट हो चुका है। और मैं रिमोट यूजर्स में जाऊंगा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टाइमिंग आ गया और यहाँ पे Sophos FW और ये मेरा IP फायरवॉल इंटरफेस का और यहाँ पे ली जो IP मुझे VPN के थ्रू मिला है वो IP आ गया। तो गाइज इसी प्रकार से आप भी टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर मिस कॉन्फ़िगरेशन में कहीं भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, चैट बॉक्स कर सकते हैं, जो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा गाइज। और इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ऑन द स्पॉट ईमेल कर सकते हैं या चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको डिसकनेक्ट करता हूं गाइज और आपको फिर वापस कनेक्ट करके दिखाता हूं कि कैसे हम वापस रिकनेक्ट कर। मैं एक बार वापस आपको दिखाना चाहता हूं कि आपको ऐसा कहीं ना लगे कि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो। तो हमने डिसकनेक्ट कर दिया उसको। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं वापस। अब यहाँ पे हम वापस पासवर्ड डालेंगे। अभी मैं वापस एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ गाइज कि अभी आप यहाँ पे लाइव यूजर्स में देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा है।
अब मैं वापस जब कनेक्ट जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे लाइव यूजर्स में मेरा एक डेटा शो हो जाएगा, मीन्स जो वीपीएन के थ्रू जो यूजर्स कनेक्ट होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम कॉपी कर लेता हूँ, आपको मैं रियल दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ऐसा कोई दिखाता नहीं होगा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। सॉरी फ्रेंड्स, लगता है कॉपी नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, आई थिंक जो मैं फ्रेंड्स दिखा रहा हूँ आपको ऐसा कोई भी नहीं दिखाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, को फॉलो आई थिंक मैंने यूजर नेम ही पेस्ट कर दिया था यहाँ पे। मैं वापस इसको कॉपी कर लेता हूँ, यस कॉपी हो गया। अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब ये कनेक्टिंग होएगा, जी कनेक्टिंग हो रहा है, कनेक्टिंग टू सोफोस FWSSL VPN config। अब ये थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा गाइस। अब जैसे यहाँ पे लाइव यूजर्स का आइकॉन है, यहाँ पे देखेंगे कनेक्ट हो चुका है, ऑलरेडी कनेक्ट हो गया फ्रेंड्स, और IP भी मुझे रिलीज हो गई। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर वापस अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि VPN यूजर कनेक्ट हो गया, टाइमिंग भी शो हो रहा है, और मेरे लैपटॉप का टाइमिंग और VPN कनेक्ट का टाइम दोनों सेम है गाइज। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं गाइज। गाइज आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाया सेम करेक्ट दिखाया, सही तरीके से लॉगिन होगा। इस तरह से आप अपने फायरवॉल में ये कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करके लॉगिन करके देख सकते हैं। तो मैं अभी होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ गाइज फायरवॉल के। आपको मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन बताया इसमें कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज में जरूर आपकी रिप्लाई करूँगा। सो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।